अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय बंगश। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पिज़्ज़ा बॉम्ब की रेसिपी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही चीज़ी। और इसको बनाने का तरीका है जो है हम आपको बहुत इजी करके बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने लिया है एक बाउल, उसमें हम ऐड कर देंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा 2 कप्स, यानी हाफ़ के जी हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक हसबे ज़ायका, ईस्ट 1 टी स्पून और शुगर 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी हसबे ज़रूरत, और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और इसके बाद हम इसे गूंद लेंगे। आटे को जो है हम नॉर्मल गूंदेंगे, ज़्यादा सख्त और सॉफ्ट नहीं गूंदेंगे। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं और गूंदते जाएं ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से एक नॉर्मल डो में कन्वर्ट हो जाए। आटे को अच्छी तरह से डो में कन्वर्ट करने के बाद जो है हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, और उसके बाद हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए गूंदेंगे ताकि ये एक सॉफ्ट डो में कन्वर्ट हो जाए, स्मूथ डो में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से गूंद चुका है। अब हम इसे जो है कवर कर देंगे और साइड पर रख देंगे तकरीबन 2 घंटों के लिए ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है एक बाउल, उसमें मैंने ऐड किया है 1 कप चिकन। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक हसबे ज़ायका, 1 टीस्पून रेड पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक या जिंजर पाउडर। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। तो ये जो है हमारा जो चिकन है उस पर जैसे मसाला लग चुका है, अब हम इसे साइड पे कर देंगे। अब हमने लिया है एक पैन, उसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था, और इसे हम लो मीडियम हीट पर फ्राई कर देंगे। तो इसमें हम वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखें जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से पक चुका है। इसके नीचे जो है हम फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और चिकन को थोड़ा सा साइड पर कर देंगे, और दूसरी साइड पे हम जो है इसके इसी मसाले में हम थोड़ा सा कैप्सिकम ऐड कर देंगे। हमने 1 मीडियम साइज कैप्सिकम को अच्छी तरह से चॉप कर दिया, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे साइड पर कर देंगे। तकरीबन 30 सेकेंड्स के लिए हम इसे इसमें सौते कर देंगे ताकि जो कैप्सिकम है वो थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद जो हमने चिकन फ्राई किया था उसे मैंने श्रेडेड कर दिया है, वो ऐड किया है, कैप्सिकम जो हमने फ्राई किया था वो ऐड किया है, और ब्लैक ऑलिव पिज़्ज़ा सॉस और मायोनीज़ तकरीबन 2 टेबलस्पून मायोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस में थोड़ा सा ऑर्गेनो पाउडर ऐड कर दें, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं एज अ पिज़्ज़ा सॉस। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसे हम साइड पर कर देंगे। अब हमने लिया है वही डो जो हमने गूंद के रखा था, वो अच्छी तरह से राइस हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से हाथ से बेल देंगे। इस तरह से आपने बेल देना है। अब हम इसके ऊपर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद जो है हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे या पिज़्ज़ा चीज़ भी आप डाल सकते हैं, और इसे इस तरह से एक बॉल का शेप दे देंगे। इस तरह से बिल्कुल आपने इसी तरह से शेप देना है,
और इसे हम साइड पे रखेंगे। इस तरह से एक एक बॉल बनाते जाना है और साइड पे रखते जाना है। साइड पे रखने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो हमारे बॉल्स हैं वो थोड़े से राइज हो जाए। और ये देखें हमारे सारे बॉल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसे हम साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे लो मीडियम हीट पे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके जो है पिज़्ज़ा बॉम्ब्स ऐड करते जाएंगे और इसे हम लो मीडियम हीट पे फ्राई कर देंगे। इसे ज़्यादा गर्म ऑयल में ऐड नहीं करना, वरना आपके जो पिज़्ज़ा बॉल है वो अंदर तक नहीं पकेंगे सही से। तो इसके जो हम साइज़ हैं वो थोड़ी थोड़ी बाद हम चेंज करते जाएंगे ताकि जो हमारे डो पे कलर है वो इक्वली गोल्डन आ जाए। तो ये जो हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो बिल्कुल एहतियात से आपने इसे ऑयल से निकाल देना है ताकि आपके हाथ जल ना जाए। और ये जो हमारी पिज़्ज़ा बॉम्ब है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे हम आपको कट करके दिखाएंगे। और ये हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स की रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।